हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफी कुछ आपको सीखने के मिलेगा। सबसे पहले फोकस क्या है वीडियो में कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो किस तरह का आपको सेटअप मिलना चाहिए, कितना आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और वो कितने दिन तक वो सेटअप का वेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों पे हमारा फोकस रहेगा और इस चीज का रेफरेंस हम लेंगे इंडिया बिक्स में। और वीडियो के एंड में मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि इंडिया बिक्स को आप कैसे इंट्राडे के लिए बहुत अच्छे टूल की तरह यूज कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा आज जो हमने ट्रेड करा उसके अंदर। आज जो हमारा ट्रेड रहा वो भी आपको दिखाएंगे और सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि बाइंग की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, तो वो चीज आप बहुत अच्छे से इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जहां तक हम शुरू करते हैं तो बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में देखो चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजों में बेनिफिट है, दोनों चीजों में लॉसेस भी हैं। जहां तक बाइंग की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वे ऑप्शन बायर्स हैं वो लॉस में रहते हैं। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है गलत टाइम पे एंट्री करना और गलत टाइम पे एग्जिट करना। और सही से जब आप एंट्री एग्जिट नहीं करते हैं तो 50-60% कम से कम आपके चांसेस बढ़ जाते हैं लॉस बुक करने। इसका मतलब है आपको परफेक्ट एंट्री का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ ऑप्शन बाय। अब एक बार स्क्रीन पे भी आइएगा, मैं साथ साथ में चीजें आपको रिलेट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये चीजें आपको बेनिफिट कर सकती हैं। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो एक चार्ट मैंने निफ्टी का खोल रखा है और दूसरा चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का खोल रखा है और साथ में मैं आपको इंडिया बिक्स का चार्ट भी दिखा दूंगा। अब सबसे पहले देखो आज बाइंग का डे क्यों था। यहां पे देखो इमीडिएटली सेलिंग आई है 22,300 से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आई है 47,700 से और लो देखो 47,000 तक का लो मार्केट ने लगा लिया है। और यहां पे अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 700 का डाउनफॉल है और यहां पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 300 पॉइंट का नेगेटिव हुआ। कितने टाइम में? लगभग एक घंटे के अंदर। यहां पे देखो आप मार्केट का टाइम कितना था, लगभग 2:45 और 3:45 मार्केट नीचे पहुंच चुका था। अब हम ये बोल रहे हैं कि बायर्स को वेट कितना पड़ता है, कितना करना पड़ता है, तो वो चीज आप देखिएगा। यहां से अगर मैं बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम चेंज कर दूं, सपोज करो 5 मिनट में रहने देता हूं बट मैं चार्ट इसका क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा कंप्रेस कर लेता हूं ताकि आप समझिएगा। पूरा दिन आपने वेट करा, कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद पिछले कल देखिए मार्केट खुला, यहां पे भी कंप्लीट डे साइडवेज और एंड में अगर देखेंगे तो छोटा सा एक ट्रेड बाइंग का मिला। उसके बाद देखो साइडवेज, तो ऐसा ट्रेंडिंग डे काफी दिनों से मार्केट में मिसिंग था। अगर यहां पे देखेंगे तो एक ट्रेड हमें यहां पे काफी अच्छा मिला था, हाई से 49,000 से मार्केट ने सेम डे लो लगाया था 48,500 का। तो मतलब 5-600 पॉइंट बहुत अच्छे हैं इंट्राडे में। मैं तो बोलूंगा 100-200 पॉइंट भी इनफ है बट एंट्री सही हो तो ही। अब इंडिया विक्स का एग्जांपल हम कैसे ले रहे हैं, आज का एग्जांपल है। देखो एंड में मार्केट ऊपर गया, अब पूरा दिन इंडिया विक्स भी क्या रहा, लगभग साइडवेज और हल्का सा नेगेटिव। यहां पे अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स खुला तो वो नीचे साइड को जाता गया है ना। अब एक चीज होती है, जब इंडिया विक्स ऊपर को जाए तो मार्केट गिरेगा। ध्यान से सुनेगा मेरी बात, अगर इंडिया विक्स ऊपर जाएगा सेम डे में इंट्राडे में और मार्केट गिरना शुरू करेगा तो इंडिया विक्स को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर इंडिया विक्स नीचे जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि हमेशा मार्केट जब ऊपर जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा तो नहीं बोलूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब ऊपर जाता है तो क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। और इंडिया विक्स क्या होता है, वॉलेटिलिटी का एक इंडेक्स है, तो जितना कम वॉलेटिलिटी होगा तो मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा है। वहीं पे मार्केट ने अगर गिरना होगा तो इंडिया विक्स को चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो वॉलेटिलिटी को प्रेजेंट करता है। मार्केट जब भी गिरता है तो बहुत तेजी के साथ गिरता है, ये तो हमें सबको पता है। तो वही देखो क्या हुआ, लगभग 3:45 इंडिया विक्स 12 पॉइंट समथिंग पे चल रहा था और हाई लगा दिया सीधे ही कितना, लगभग 13:30 का। अब मतलब इंडिया विक्स ऊपर गया, आपको कंफर्मेशन मिल गया कि क्या है, एंट्री भी सही है, इंडिया विक्स भी सपोर्ट कर रहा है, तो आपके लॉसेस के चांसेस लगभग कम हो गए क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है ना। और बाइंग में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, जितना प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में करोगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बड़ा प्रॉफिट, हमेशा मैं क्या बोलता हूं, छोटे प्रॉफिट को छोटे लॉसेस के साथ कट कर लो, बड़े प्रॉफिट आपके अकाउंट को क्या करेंगे,
ग्रो करेंगे। अब एक मेरा ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, उसके अंदर काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो रियली थैंक्स उसके लिए सबसे पहले तो। एंड इसके बीच में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा ना जेलस टाइप फील करते हैं और ऐसे कुछ अजीब से कमेंट करते हैं, वो अपने रियल अकाउंट से तो करेंगे नहीं, वो कुछ फेक अकाउंट से करते हैं। अब हो सकता है ये कुछ इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स हों या फिर कुछ ऐसे लोग हों जो किसी की ग्रोथ को अप्रिशिएट करना तो दूर, उससे सीख नहीं सकते हैं। अब हम आपसे कुछ ले तो रहे नहीं है, हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सीखना चाहे तो भी ठीक है, अगर हमारा कंटेंट ठीक नहीं लग रहा तो किसी और का देख लीजिएगा। अगर आप सीख रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको जरूर पे आउट करेगा, जिस तरह से हमें करता है। यहां पे आप जब देखेंगे पोजीशंस मेरी आज की खाली इंट्राडे की पोजीशंस हैं, तो 1,26,989 का डे प्रॉफिट एंड लॉस है सिर्फ बाइंग के अंदर। और उसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या सेम, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हाई मार्क कर लिया निफ्टी में। सिमिलरली अगर मैं इसको भी थोड़ा सा आज के चार्ट पे लेके आऊं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने सेम पैटर्न फॉलो कर लिया कि डे हाई को मार्क कर लिया, डे फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क कर दिया, फिर साइडवेज मार्केट हो गया, फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग कैंडल पे एंट्री लेके पहले मैंने क्या पुट बाय करा 47,500, बाद में जब स्ट्रॉन्ग कैंडल का कंफर्मेशन फिर से आ गया तो मैंने 47,000 का एग्जैक्ट पुट को बाय कर लिया। हालांकि इसमें मेरा प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड था शायद मैं जल्दी निकल गया, अदरवाइज ये 2,00,000 के आसपास भी हो सकता था, बट हाँ जितना है इनफ है, 1,27,000 का प्रॉफिट अगर एक दिन में आपको निकल रहा है। और जो चैलेंज में मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि इस अकाउंट में मैंने सिर्फ 10,00,000 कैपिटल को ही कैरी करा है, तो अगर 10,00,000 कैपिटल भी इसमें पूरा यूज नहीं हुआ है तो लगभग 10-12% का रिटर्न आपको एक दिन में एक ट्रेड के अंदर निकल रहा है। तो अब इसको होल्ड करना, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए 50% क्वांटिटी के साथ आना, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। स्टिल एक बार फिर से बता देता हूं कि अब मेरा नेक्स्ट क्या रहता है कि बड़ा प्रॉफिट हुआ, अब उसको एडजस्ट करो, उसको विड्रॉ करो या उससे स्टॉक बाय कर लो, और साथ में आप क्या करो नेक्स्ट ट्रेड जो करने वाले हैं या तो क्वांटिटी हाफ कर लो या फिर ब्रेक ले लो। तो ये दोनों फॉर्मूले काम करते हैं मेरे मेथड में, और सबसे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं कि मैं सेम प्राइस को जो है निकाल के उसके मैं अपने स्टॉक बाय कर लूं जो मुझे ठीक ठाक से लग रहे हैं। तो ये है बाइंग के फंडामेंटल्स। तो होप सो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प आउट करेगी, और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज मत करो। ये तो नहीं बोलूंगा ओवर ट्रेड करो या कुछ गलत करो, बट सीखते रहो, प्रॉफिट बनेगा, अपने आप में विश्वास करो, और एक ना एक दिन अगर आप कूद ही गए ना ट्रेडिंग में तो आप जीत के निकलना जरूरी है। तो वो भी सबकी लाइफ में टाइम आता है, पेशेंस बहुत जरूरी है, हमें अगर 3-5 साल लगे हैं तो आप लोगों को भी लगेंगे, और टाइम ही ये मार्केट मांगता है। जो यहाँ पे टाइम देगा और जो आप पैसा यहाँ पे दे रहे हैं उसको एज अ फीस मान लीजिएगा, टाइम को इन्वेस्टमेंट मान लीजिएगा, दोनों चीजें आपको कम से कम बहुत अच्छे रिटर्न के साथ, मतलब 20-30-40-100% या 100 टाइम्स आपको रिटर्न दे सकता है, वो एक ही चीज है मार्केट। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में अप्रिशिएट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।